हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MVN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी GK की क्लास है, सेकंड क्लास है, और इसमें आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे और आपके चैप्टर का नाम है मॉडर्न मशीनें, यानी कि आधुनिक मशीनें। उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि आधुनिक मशीनें हमारी कौन सी हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें हमको क्या बताया गया है। सबसे पहले है, कैन यू नेम द फॉलोइंग मशीन्स टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यानी कि आपकी मशीन के कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हमें पहचानना है और जो खाली स्थान है उसमें हमें उस मशीन का नाम लिखना है। आपको आपकी बुक में पिक्चर भी दी गई है और हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, उसमें से स्पेलिंग्स को नाम आपको ढूंढ करके आपको अपनी बुक में फिल करना है। तो सबसे पहले है, नंबर एक पे है, दिस टेलीफोन हेल्प अस टू टॉक व्हील वी आर वन द मूव, यानी कि दिस टेलीफोन हेल्प अस टू टॉक व्हील वी आर ऑन द मूव, यानी कि ऐसा कौन, जब हम बात करते हैं घूम घूम के, मूव माने घूमना, घूम करके जब हम बात करते हैं तो हमें, हम कौन से फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो नंबर एक पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन, क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन। नंबर दो पे है, इट इज़ यूज टू क्लीन आवर हाउसेस एंड अदर प्लेसेस, यानी ऐसा कौन सी मशीन है जिसका उपयोग हम अपने घर व अन्य स्थानों की सफाई के लिए करते हैं, तो उसका नाम क्या है, वैक्यूम क्लीनर। क्या बच्चों नाम लिखेंगे, वैक्यूम क्लीनर। नंबर तीन पे है, इट कुक्स आवर फूड क्विकली एंड ईजली, यानी कि हमारा भोजन जो है, हम खाना जल्दी और आसानी से बन जाता है जिसमें, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइक्रो ओवन। नंबर तीन पे हम भरेंगे माइक्रो ओवन। नंबर चार पे है, इट मेक्स एक्सरे कॉपी और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर विजुअल इमेज क्विकली एंड चीपली, यानी कि इट मेक्स, नंबर चार में ये वो दस्तावेज और अन्य जो खाद्य अन्य जो दृश्य सामग्रियां हैं उनके जीरोक्स या प्रतियां हम किससे भेजते हैं, जल्दी से किस में हम निकलती हैं, एक्सरे और एक्सरे कॉपीज़ हैं या अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं या अन्य विजुअल जो इमेजेस हैं वो जल्दी फास्ट किस में निकलती हैं, तो इसमें हम लिखेंगे फ़ोटो कॉपियर, यानी फ़ोटो कॉपियर नाम लिखेंगे। नंबर पाँच पे है, इट ट्रांसमिट्स अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर वीआर टेलीफोन लाइंस, यानी कि वो कौन सी मशीन है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स, यह डॉक्यूमेंट्स जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शीघ्र से शीघ्र, तो उस स्थान का, उस मशीन का हमको नाम लिखना है कि वो जिसमें हम टेलीफोन के माध्यम से क्या है, प्रेषित कर सकते हैं या भेज सकते हैं। नंबर पाँच पे तो उसमें हमें लिखना है कि उस मशीन का हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फैक्स। फैक्स जो है वो हम बहुत ही आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हो वो हम भेज सकते हैं। नंबर छः पे आते हैं, इट यूज्ड टू क्लीन लॉन्ड्री सच एज क्लॉथिंग टॉवल्स एंड सोप सीट्स, यानी कि उस मशीन का नाम हमें लिखना है जिसमें हम कपड़े, लॉन्ड्री में कपड़े, टॉवल्स और शीट्स जो हैं वो साफ किए जाते हैं, तो उस मशीन का नाम है वॉशिंग मशीन। नंबर सेवन पे है, इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश एंड टू मेक आइस,
यानी कि उस मशीन का नाम लिखना है जिसमें हमारी खाद्य सामग्रियाँ जो हैं वो फ्रेश यानी ताज़ी रहती हैं और उसमें हम आइसक्रीम बनाते हैं। तो उस मशीन का नाम है रेफ्रिजरेटर। इट हेल्प अस टू ऑपरेट टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर्स और अदर अप्लाइंसेस फ्रॉम डिस्टेंस। यहाँ पर हमें उस मशीन का नाम लिखना है जो जिससे हम डीवीडी, टेलीविज़न और डीवीडी प्लेयर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते चलाते हैं, उसका नाम है रिमोट कंट्रोल। तो बच्चों ये आपका 14 चैप्टर पूरा होता है। इस बुक की एक्सरसाइज आपको केवल बुक में ही फिल करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। अब हम आते हैं नंबर 15 पे। 15 पे है आवर यूनिवर्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 15 आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स माने, आवर माने हमारे और यूनिवर्स माने हैं अंतरिक्ष, यानी हमारे अंतरिक्ष। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आता है द अर्थ, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स स्पेस। यानी कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और तारे ये सभी हमारे क्या हैं, अंतरिक्ष के भाग हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं मून, सन, अर्थ और स्टार की आपको पिक्चर दिखाई जा रही है कि अंतरिक्ष में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और उनका क्या उपयोग है। आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फिर ये जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेस है, उसमें हमें हेल्प बॉक्स की मदद से सही जो नाम है उसको इसमें भरना है। नंबर एक पे देखते हैं द अर्थ इज़ सेप्ड, यानी कि अर्थ का आकार कैसा है। तो यहाँ पे नंबर एक में क्या हम फिल करेंगे, राउंड। क्या फिल करेंगे, राउंड। फिर है नंबर दो पे है द सन गिव अस एंड लाइट। सन, सूर्य से हमको क्या मिलता है, हमको क्या देता है, गर्मी देता है और प्रकाश देता है। तो यहाँ पे हम हीट भरेंगे, HEAT, हीट। नंबर तीन द सन इज़ अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस, यानी कि सूर्य आग का गोला है, यानी गोले के समान है। एक सूर्य जो है आग का गोला है। तो यहाँ पे गेंद के गेंद है, तो यहाँ पे बॉल मीन्स गेंद, सूर्य एक गेंद है। तो यहाँ पे हम भरेंगे हॉट गैसेस। नंबर थ्री में भरेंगे हॉट गैसेस द अर्थ। नंबर चार पे है द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर इज पॉसिबल, यानी अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जिस पे संभव है। क्या संभव है, लाइफ। यहाँ पे हम लाइफ फिल करेंगे नंबर फोर में। नंबर फाइव पे है द इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी पर एक नेचुरल सैटेलाइट क्या है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, मून। तो नंबर फाइव में हम मून को फिल करेंगे। नंबर सिक्स पे आता है द मून चेंज इट एवरी डे, मून अपना क्या प्रत्येक दिन चेंज करता है। तो यहाँ पे हम शेप भरते हैं। बच्चे जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो मून हमेशा, चंद्रमा जो है हमेशा एक समान नहीं दिखता है, कभी वो गोल दिखता है, कभी वो हाफ हो जाता है और कभी वो हसिए के आकार में हमको दिखाई देता है। तो इसलिए मून का जो शेप है वो एक समान नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम शेप भरेंगे यानी आकार। नंबर सात पे है द मून गोज राउंड द, मून जो है चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे हम अर्थ लिखेंगे। सेवन नंबर पे अर्थ, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। नंबर आठ पे है द अर्थ गोज राउंड द सन, अर्थ जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के। तो यहाँ पे हम सूर्य भरेंगे, फिल करेंगे। नंबर नाइन पे है द अर्थ रोटेट ऑन द इट्स एक्सिस इन, यानी कि अर्थ जो है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या करती है, वो पृथ्वी जो है
वो घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। तो इसमें हम लिखेंगे 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है यानी ग्रह है, तो इसमें हम लिखेंगे मरकरी, यानी फिल करेंगे मरकरी। एक बार हम फिर देखते हैं कि हम कौन कौन से वर्ड इसमें फिल करेंगे। नंबर 1 पे फिल करेंगे राउंड, नंबर 2 पे फिल करेंगे हीट, नंबर 3 पे फिल करेंगे हॉट गैसेस, नंबर 4 पे फिल करेंगे लाइफ, नंबर 5 पे फिल करेंगे मून, नंबर 6 पे फिल करेंगे शेप, नंबर 7 पे फिल करेंगे अर्थ, नंबर 8 पे फिल करेंगे सन, नंबर 9 पे फिल करेंगे 24 आवर्स, और 10 नंबर पे फिल करेंगे मरकरी। तो बच्चों, हमने आज ग्रह के बारे में जाना और समझा। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टू नो, यानी कि इसके जो मेन मेन लाइनें हैं वो क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है द अर्थ इज प्लैनेट विच रिवॉल्व राउंड द सन, यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अब दूसरे में देखें, द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द सेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। अब नंबर फोर पे क्या है, द लाइट ऑफ द सन टेक अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 5 सेकेंड का जो समय है वो लगता है। अब फिर है द मून इज द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर 15 भी आपका पूरा होता और इसमें हमने अंतरिक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त की कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं और उनका उपयोग हम किस तरह से करते हैं, हमको वो क्या क्या उसमें दिखाई देता है। अब हम आते हैं चैप्टर 16 पे और उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आइए अब हम चैप्टर 16 पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है अवर हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होता है विरासत, यानी हमारी विरासत, हमारी धरोहरें, जो प्राचीन चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरानी हैं, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, तो ये सब क्या है, हमारी हेरिटेज हैं, धरोहर हैं। उनके नाम को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके नामों को पिक्चर के नीचे हमें लिखना है। हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, उन्हीं उसी की मदद से उसमें से हमें छांट करके इसमें फिल करना है। तो नंबर 1 पे है आपका जामा मस्जिद, नंबर 1 पे आप फिल करेंगे, आप पिक्चर देख रहे हैं और उसमें हमको क्या फिल करना है वो हम नाम लिखेंगे। नंबर 1 पे हम लिखेंगे जामा मस्जिद, नंबर 2 पे हम लिखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, नंबर 2 पे लिखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, नंबर 3 पे है आपका नंबर 3 पे आप क्या लिखेंगे, लिंगराज टेंपल लिखेंगे, नंबर 3 पे है लिंगराज टेंपल, नंबर 4 पे है चार मीनार, नंबर 4 पे लिखेंगे आप चार मीनार, नंबर 5 पे है मीनाक्षी टेंपल और नंबर 6 पे आप लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। ये पिक्चर के नाम हैं जो आपको सीरियल वाइज चित्र को पहचान करके हेल्प बॉक्स की मदद से आपको लिखना है। और ये 14, 15, 16 की जो एक्सरसाइज है ये आपको केवल बुक में ही लिख करके फिल करना है और उसको आपको भेजना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। और इन चैप्टर्स के जो स्पेलिंग्स हैं हेल्प बॉक्स में जो आपकी स्पेलिंग्स दी गई हैं उनको भी आपको याद करना है। उन स्पेलिंग्स को याद करते हुए